एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। और अभी मॉर्निंग का वक्त हो रहा है, मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब टिफिन लेके जाएंगे स्कूटर। तो ये आलू का भरता बना रही हूँ, आज आलू का भरता, मटर वाला और पूड़ी बनेगी। और आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व से आप सबको हार्दिक बधाई हो। बुनी थी। बुन के बनाया जाता है बेटा स्वेटर। बुनते थी। मम्मी जी मतलब देव अपनी नानी की बात कर रहा है। कैसा लगा? अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। हाय गाइस, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, पूरन के लिए दाल पका रही हूँ। पूरन रोटी बनेगी आज। तो यहाँ पे जो इस वाले कप से, ये देव का मग है, इसमें दूध पीता है वो, इस मग से मेजर करके मैंने, लार्ज मग से मैंने डेढ़ मग दाल ली है। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और कुकर में अभी सीटी लगा के पकाने के लिए पहले चढ़ा देती हूँ। पहले वॉश कर लेते हैं इसे। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इस वाले मग से मैंने दाल ली थी, तो इसी मग से मैंने दो मग फुल पानी लिया है, इसमें ऐड कर दिया। इसमें मैंने ऐड की है दो लौंग और दो इलायची खोल के डाल दी हैं। इससे क्या होगा ना कि जब ये बॉईल होगी, मतलब पकेगी, सीटी आएगी इसमें, तो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास जायफल हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे देखना पड़ेगा, अगर जायफल होगा तो जब मैं चीनी डाल के पकाऊंगी उस समय जायफल भी इसमें डाल दूंगी, और नहीं होगा तो फिर नहीं डालूंगी। शायद से ख़त्म है, याद नहीं है, चेक कर लूँगी। अभी इसको कुकर पर मैं चढ़ा देती हूँ। इसमें 5 सीटियाँ करूँगी मैं, तो अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट पक जाएगी। ठीक है, तो जी अब कुकर पर चढ़ा देते हैं इसे। मैंने कुकर पे रख दी है दाल, 5 सीटी होने दूंगी, उसके बाद ही निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अभी थोड़ी गर्म है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरी सॉफ्ट बॉईल हो गई है। ये जो हल्का सा पन है तो चीनी के साथ पक जाएगी, और बाकी सारा काम हो चुका है। प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ कर लिया है अपना, क्लीन हो गया प्लेटफॉर्म। बस तो फिर अभी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ चीनी, निकाल लेती हूँ एक मिनट। ये मैंने चीनी निकाल ली है, जिस कप से मैंने दाल ली थी ना डेढ़ कप, ये उसी कप से मैंने 1 कप चीनी डाली है। थोड़ी सी और लूँगी मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मीठा या ज़्यादा मीठा जैसा पसंद करते हो वैसे ले सकते हैं। वैसे ये 1.5 कप भी नहीं है, 1.5 कप से मतलब थोड़ी कम ही है, क्योंकि मतलब मीठी रहेगी, प्रॉपर मीठी रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मीठी नहीं रहेगी, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूचर्स ही रहेगी इसमें। जितनी मीठी हमारे यहाँ पसंद करते हैं उतनी मीठी रहेगी। बस अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दूंगी, जायफल भी डालती लेकिन जायफल ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर और रोस्ट करके खसखस डाल दूंगी थोड़ी सी। तो पहले इलायची पाउडर बना लेती हूँ, फिर इसको गैस पे रखते हैं। वैसे मैं मोस्टली इलायची पाउडर बनाकर नहीं रखती हूँ, तुरंत मैं इसे कर लेती हूँ बेलन से। और 2 इलायची मैंने इसमें फोड़ के भी डाली थी जब दाल चढ़ाई थी बॉईल करने के लिए। एक उसी इलायची का छिलका दिख रहा है क्या? नहीं, दाल है सॉरी। सारा पाउडर है, 4 इलायची का पाउडर है ये। अब थोड़ी सी खसखस रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खसखस रोस्ट करने के लिए रख दी है पैन में, फुल फ्लेम पे ही है अभी, ज़्यादा देर नहीं करना है, बस 2 मिनट करूँगी। वैसे मम्मी जी इसमें जायफल भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जायफल ख़त्म है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और लौंग इसमें इसलिए डाली जाती है, जब दाल को बॉईल करते हैं तो उससे जो टेस्ट बहुत प्यारा, लौंग निकाल ली है मैंने, लेकिन बॉईल करते समय 2 लौंग जो डाली थी ना, तो लौंग का थोड़ा सा टेस्ट उतर जाता है पानी में, जिसमें दाल हमारी पकती है चने की, तो चने की दाल में लौंग का टेस्ट बहुत प्यारा सा आता है, मीठी जब मीठी उसकी हम पूरन पूरी बनाते हैं। पूरन रोटी को महाराष्ट्र में पूरन पोली बोलते हैं,
कई जगह परमपुरी भी बोला जाता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग नाम, चीज़ वही होती है बस नाम बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में बहुत बनाई जाती है ये। ये आप देख सकते हैं गाइस, हल्का सा कलर चेंज हो गया, जलाना नहीं है इसे, हल्का लाइट कलर चेंज करना था इसका मुझे, बस अभी सारी की सारी डाल देनी है इसमें। अब मैं इसको गैस पर चढ़ा के अच्छे से घोंट लूंगी, पकाना है चीनी को बेसिकली इसमें। पहले तो इसको मिक्स कर लेते हैं। जो दाल का थोड़ा सा पानी था ना कुकर में, वो निकाला नहीं है मैंने, उसके साथ तो साथ ही इसको पकाऊंगी मैं। कुछ लोग इसमें नारियल की और ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से प्लेन ही बहुत पसंद की जाती है, घी और दही के साथ, गरम घी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो बनती है पूरी घी में ही, घी में ही सेकी जाती है ये, बट घी में डुबो के खाने का भी अलग ही मजा है। मैं तो बचपन से मतलब घी में ही डुबो के खाती थी, बाकी यहाँ पे आके दही में भी खाना मतलब स्वीटू को देखा खाते हुए, हमारे ससुराल में भी घी में ही बनती है, बट घी में बनती है, घी में सेकी जाती है, करारी की जाती है, लेकिन खाते हुए उसको घी लगा के फिर ऊपर से दोबारा, और फिर वो दही में डुबो के खाते हैं उसको। और मायके में क्या होता था, MP में हम लोग घर में खाते थे, मम्मी जी बनाते तो घी में ही बनती है और घी में डुबो के हम लोग खाते थे। बस वही स्टेट बदल जाती है, जगह बदल जाती है, चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है खाने का। बाकी तो इंडियन फूड सबसे बेस्ट है ही है, बस इसे ऐसे चलाते जाना है, पकाते जाना है। महाराष्ट्र में क्या होता था, मम्मी जी जब भी पूरन बनाती थी ना, तो मम्मी जी पूरन पूरा पका के दे देती थी, और मम्मी जी का पूरन का साँचा है, उसमें डाल डाल के घोट घोट के, इस तरीके से घोट घोट के चला चला के फिर मैं उसमें पूरन को घोटती थी, और शादी के पहले पूरन घोटने का काम मेरा होता था। ये देखिए ये बॉईल होने लगी है अच्छे से, बस अब इसे चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना जलने का डर रहेगा, क्योंकि चीनी है ना इसमें, चाशनी से जलने का डर रहता है, और मुझे जल्दी बनाना है इसलिए मैं फुल फ्लेम पे ही बना रही हूँ, स्लो नहीं करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो तसल्ली से स्लो पे भी करके बनाएं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, फिर बस साथों साथ बना के इसको ग्राइंड करके रखूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास पूरन का साँचा नहीं है, तो मैं मिक्सर में ही ग्राइंड कर लेती हूँ, ऐसे भी हो जाता है सॉफ्ट काफ़ी। और अगर आपके पास पूरन को घोटने का साँचा है, फेंटने का, तब उसमें उसको ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए बस इस तरीके से इसको करते रहना है अभी, जब तक कि पानी ना उठ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी इसका मतलब स्टीम बन के हट चुका है, उठ चुका है कह सकते हैं, ये पक गई है प्रॉपर चीनी भी इसमें, बस इसको थोड़ी देर और चलाना है, थोड़ी सी और सूख जाए, उसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, ठंडा भी नहीं, थोड़ा सा मतलब गर्म ही रहेगा, फिर ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए प्रॉपर पक चुकी है अभी, तब इतनी रहेगी, जब ऐसी कंसिस्टेंसी रह जाए ना इसकी, इसके बाद गैस ऑफ कर देना है 10 मिनट के लिए, इसको ऐसे छोड़ दूंगी मैं खुला, थोड़ी सी स्टीम निकल जाए, उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूंगी इसे, इसका पेस्ट बना लूंगी, और मैं अभी नहीं बनाऊंगी पूरन इसके, इसका पेस्ट बना के उसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, नॉर्मल मतलब गर्म रहेगा ना अभी तो, और फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटों के लिए, शाम को बनाऊंगी मैं इसका पूरन। मैं हमेशा पूरन जब भी बनाना होता है, अगर मुझे मॉर्निंग में बनाना होता है तो मैं रात में पका के रख देती हूँ फ्रिज में, और अगर शाम को मतलब रात में बनाना है, नाइट में बनाना है, तो मैं मॉर्निंग में पका के रख देती हूँ। जैसे अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, तो इसको पका के मैं रख दूंगी, उससे क्या होता है ना कि हमारी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, तो गर्म गर्म पूरन में आप बनाएंगे तो फिर रोटियाँ फटने का डर ज़्यादा रहता है, गीली गीली मुझसे नहीं हो पाती है, फट जाती है, तो मैं वैसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद ही उसको जब बनाना रहेगा उसके 1 घंटे पहले बाहर निकाल लूँगी, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसकी मैं रोटियाँ बनाऊँगी।
रेसिपी तो आपके साथ पूरी शेयर करूंगी मैं। अब कर देते हैं गैस को बंद, 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद ग्राइंड कर लूंगी। सो गाइस, इसे रखे हुए मतलब गैस से हटाए हुए इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी गर्म ही है, बट मैं अब इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसे गैस से उतारे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी गर्म ही है काफ़ी। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी ग्राइंडर में डाल के। मैं ग्राइंडर में ही बना लेती हूँ, मतलब ग्राइंड करके ही बना लेती हूँ, मेरे पास नहीं है पुरनका साँचा, उससे भी अच्छा बन जाता है, इससे भी काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है, महीन हो जाता है। आई थिंक एक बार के लिए इतना सफिशियंट है, बना लेती हूँ। खा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा पेस्ट बन गया है ना हमारा, एकदम महीन, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ये खसखस है जो इसमें आपको दिख रहे ना दाने दाने से, ये खसखस है जो रोस्ट किया हुआ ऐड किया था। चलिए अभी बाकी को भी मैं ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको रखूँगी थोड़ा सा आधा घंटा बाहर, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी अभी। फिर सीधे जब मुझे नाइट में बनानी रहेगी पूरन पूड़ी, तब मैं उसके एक घंटा पहले इसको फ्रिज से निकालूंगी। आप चाहें तो फ्रिज में ना भी रखें, तुरंत भी बना सकते हैं, पर गर्म में मुझसे ना फट जाती है, तो मैं हमेशा इसी ट्रिक को यूज़ करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद बनाने के एक घंटा पहले निकाल के रखती हूँ बाहर, फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तभी बनाती हूँ, अच्छी बन जाती है उससे काफ़ी फूली फूली। चलिए बाकी की भी मैं कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं ये पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है ना, लेकिन जब इसको फ्रिज में रखेंगे ना थोड़ा टेक्सचर इसका चेंज होगा, हल्का सी मतलब सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा सा थोड़ा टाइटनेस पकड़ लेगा, ये थोड़ा सा हार्ड होगा, मतलब हार्ड भी नहीं होगा बोल सकते हैं, अब आप समझ लीजिए थोड़ा टाइट हो जाएगा बस। फिर चलिए तो फिर अब इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में, शाम को निकालूंगी बनाने के। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मिनी सैंडविच देव के लिए, अपने लिए। इस टाइम 4 बज रहे हैं, आज आलू का भरता बना था, तो बस देव ने कहा मम्मी सैंडविच खाने का मन है, और अभी फिर मैंने सोचा कि ऊपर से निकालना पड़ेगा अभी सैंडविच मेकर, तो तवे पे बना रही हूँ आज, सैंडविच मेकर मैं नहीं बना रही हूँ। कभी कभी तवे के भी खाने चाहिए, अच्छे लगते हैं ये भी, इसका भी अलग टेस्ट है, उसका अपना अलग टेस्ट है। तो बस मैं सैंडविच बना के निकाल ले रही हूँ, चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई है अभी, साथ में थोड़े थोड़े से ही खाने हैं, 4 बजे का टाइम है। बस सैंडविच के बाद कॉफ़ी बना लूँगी, देव को दूध गर्म करके दे दूँगी, हल्का फुल्का स्नैक्स हो गया हमारा। दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, एक सेकेंड। ये देखिए थोड़ी करारी करारी ही पसंद है देव को, सिर्फ 2 स्लाइस बनाई है क्योंकि अब 4 बज गए हैं, इसके बाद कॉफ़ी भी पीना है मुझे। तक गैस पे मेरे वाले सैंडविच सीख रहे हैं, तब तक आप लोगों से बात कर ली जाए सोचा मैंने। आज काफ़ी लेट हो गया है, मैं अब भी जस्ट नहा गया, दिन भर बहुत काम था आज घर में, कबट पूरा मैसी सा हो गया था, कबट जमाना था, बेडरूम भी काफ़ी मैसी मैसी हो रहा था, वो भी जमाना था, तो बस वही सब किया और जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। आज मैंने इनफैक्ट लंच भी नहीं किया है दोपहर में, लेकिन अब इस टाइम पे लंच करने का मन नहीं है, देव ने कहा मम्मी सैंडविच, तो फिर मैं भी वही खा लूँगी, कॉफ़ी पी लूँगी अभी हो जाएगा, और बस शाम को पूरन की रेसिपी तो आज आपसे शेयर करूँगी, मैं पूरन बना ही रही हूँ, वो पहले ऐड कर दूँगी, जो पकाने वाला वीडियो है मैंने वो वीडियो की क्लिप ली हुई है, उसको पहले ऐड करूँगी और पूरन की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। हमारा सबको बहुत पसंद है, लेकिन स्वीटों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, आज बोल रहे थे जल्दी ऑफिस से आना पड़ेगा, घर पे पूरन बन रहा है, बहुत ज़्यादा पूरन देख के उनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और पूरन देख के वो डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम लोग डाइटिंग नहीं करते हैं, करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हमको टफ लगता है डाइटिंग करना, हम लोग सब कुछ खाते हैं। सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, तब तक ये वाली सैंडविच थोड़ी सी ज़्यादा करारी हो गई है, कोई नहीं, सॉस के साथ ये भी अच्छी लगेगी, खा लूँगी मैं, दूसरी तरफ से इतने करारी नहीं करूँगी ना इसको, ये वाली परफेक्ट है, ये वाली थोड़ी एक्स्ट्रा करारी हो गई है, स्वीटों को तो एक्स्ट्रा करारी भी अच्छी लगती है।
गैस को कर देती हूँ ऑफ। पैन गर्म ही है, जब तक देव को देख के आऊंगी तब तक मेरी भी हो जाएगी। फिर भी मेरी खत्म होने वाली है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी लग रहा है, लाना पड़ेगी। दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, फिर पीऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, काफी थक गई हूँ, ठंड भी बहुत है। स्वेटर भी नहीं डाला है मैंने, अभी बाल गीले थे ना, उसके बाद स्वेटर पहन लूंगी, अभी दिल्ली में तो ठंड बहुत ज्यादा है और देवर मुझे थोड़ी ज्यादा ही लगती है। इनको तो फिर भी यहाँ की हैबिट है शुरू से, तो इनको नहीं लगती उतनी, इनको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन देवर मुझे बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। बस मेरा दूध बॉइल हो रहा है, कॉफी पीऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब बारी है पूरन रोटी का आटा लगाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2.5 कप आटा लिया है और 2.5 कप आटे में मैंने 1/2 कप मैदा यूज़ किया है। चाहे तो पूरी मैदे से भी बना सकते हैं और चाहे तो पूरी आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी पिघला रही हूँ, फ्रिज में रखा था ना, इसमें डालने के लिए, मतलब आटा लगाने में यूज़ करूँगी मैं घी को भी थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप आटा गेहूं का और 2.5 कप आटे में 1/2 कप मैंने मैदा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो पूरी आटे से भी बना सकते हैं, मैं मोस्टली पूरी आटे से ही बना लेती हूँ, या आप चाहें तो पूरी मैदे से भी बना सकते हैं, हाफ ऑफ भी कर सकते हैं। मैं हाफ ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं 2.5 कप आटा और 1/2 कप मैदा यूज़ करके कर रही हूँ। इसमें आटे का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी बस। और इसका आटा बहुत टाइट नहीं लगाना है, नरम ही लगाना है, जैसे चपाती का आटा लगाते हैं ना हम, बस वैसा नरम आटा लगाना है इसका। जितना चाहिए था उतना घी मैंने पिघला लिया है। एक सेकंड नमक निकाल लूं, कि थोड़ा सा, मतलब हाफ टी स्पून से भी, हाफ टी स्पून मतलब हाफ टी स्पून से भी कम है इसमें नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। आप सोच रहे होंगे 3 लोगों में इतना सारा आटा क्यों लगा रही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा नेबर्स को भी देनी है, उन इनके फ्रेंड को भी बहुत पसंद है, तो ये बोल रहे थे मैं देके आऊँगा, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी है, इसलिए मैं इतना आटा लगा रही हूँ। और पूरन वैसे भी मैंने ज़्यादा बनाया है, हमारे यहाँ कल मॉर्निंग में भी पूरन रोटी का ही नाश्ता होगा, क्योंकि स्वीटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एक्सट्रीमली पसंद है उनको पूरन रोटी। तो जब भी पूरन पोली बनती है तो 2 टाइम के हिसाब से तो मैं बनाती ही बनाती हूँ, मतलब एक बार में मन नहीं भरता किसी का भी, हमारे यहाँ पूरन पोली तो 2 टाइम ही खाते हैं, या कभी रख देते हैं। पूरन वैसे भी ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रख देते हैं, आज बन गई रख दी, फिर 2 दिन बाद बना ली खाने में 2 रोटियाँ, और ऐसे करके पूरन पोड़ी हम लोग बना लेते हैं। मैंने तो बचपन से बहुत पूरन पोड़ी खाई है, बहुत ज़्यादा, मम्मी जी बनाती हैं और मेरा ननिहाल भी महाराष्ट्र से है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो जी अब इसमें डाल लेना है ये घी, जितना बचा लिया है नहीं डालना है, ये घी एकदम गर्म है अभी, इसको उलट पलट कर लेती हूँ मैं ताकि हाथों में ना जले, और इस घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरा मतलब पूरे आटे में से अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने पानी लिया हुआ है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है ये, ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएंगे, और नरम आटा लगाना है इसका। चलिए मैं इसको पूरा पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये घी पूरा मिक्स हो चुका है इसमें, अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा लगाते जाना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है,
आटा इसका सख्त नहीं लगना चाहिए, नरम ही आटा लगाना है जैसे चपातियों का होता है उस तरीके से। ये आटा लग चुका है हमारा, अब ना इसे मैं कवर करके रख दूंगी। और अभी तो काफ़ी टाइम है, वैसे तो आप चाहें तो कवर करके 10 मिनट रखें और फिर बना लें, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया क्योंकि बस अभी मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया है क्योंकि अभी टाइम है स्वीटों को आने को, आटा वगैरह सब लगा रहेगा तो फटाफट जैसे ही वो नहाएंगे आके फटाफट मैं बनाकर तुरंत तुरंत देते जाऊंगी गरम गरम। और ये दही भी बाहर निकाल के रख लिया है मैंने, खुल क्यों नहीं रहा। दही भी निकाल के रख लिया है मैंने बाहर क्योंकि काफी ठंडा रहता है ना फ्रिज का, और अभी ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंडा भी, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये भी। चलिए जी इसको कवर कर देती हूँ। ये तुलसी विवाह की पूजा है, हम लोगों ने दीपदान कर दिया है, तीनों ने स्वीटू कर रहे हैं मतलब अभी। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि बिना गन्नों के हम लोगों ने तुलसी विवाह की पूजा की, नहीं तो गन्ने बेर बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो लगते हैं इसमें, लेकिन इस बार हमको नहीं मिल पाए थे क्योंकि हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए, लेट किए तो नहीं जा सकते थे, घर में ही हमारा परात में स्वच्छ जल से दीपदान हो गया। ये हमने दीपक सारे सजा दिए थे, और सॉरी ये वीडियो आप एडिट नहीं हो पाया था इसलिए बहुत लेट आप लोगों को ये व्लॉग देखने मिल रहा है ये गुरु पर्व के दिन का। दियो की रोशनी में है ना, जय हो मेरी मैया की। यहाँ पे देवांश कालिया कुछ सोचते हुए मैं आज भाई दूज का टीका लगा रही हूँ क्योंकि चांदनी चौक वाला व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे नाइट में, फिर उस टाइम पे क्या लगाती है, और कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी लगा सकते हैं इसलिए उसे आज टीका लगा रही हूँ मैं। बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी हैप्पी सा है उसको, यह है कि उसको गिफ्ट देना नहीं है, उसको हर फेस्टिवल में गिफ्ट लेना होता है, उसके मन में यही चल रहा रहता है इसलिए बहुत एक्साइटेड रहता है वो। मुँह तो खोल, यहाँ पर देवर मेरी पिक्स ले रहे हैं सीटू। ये मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, इसको इस तरीके से फैला लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी पूरा फैला सकते हैं, मैं हल्का हल्का बेलन चला रही हूँ इसमें। ये देखिए पूरन कितना उस समय नरम था, अभी थोड़ा नरम तो अभी भी है लेकिन फ्रिज में रखने से थोड़ा सा हार्डनेस हो जाती है। एक कपड़ा रख लिया मैंने यहाँ पे हाथ पोछने के लिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये चारों तरफ से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे फोल्ड हो गया। अब इसे ऐसा करते हुए राउंड करते हुए बस ऐसे निकालें, जिस तरीके से हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं ना आलू के, वही ट्रिक है पूरन की भी, बस ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि सब तरफ चले जाए। हमारे घर का शेफ पूरन बनाता हुआ, अब इसे ऐसा हल्का हल्का हल्के हाथों से बेलना है। धनिया पूरन एक हफ्ते तक लगातार खा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी बड़े बड़े साइज की ही बना रही हूँ अभी, ये देखिए मेरा नॉनस्टिक तवा खराब हो चुका है इसलिए मैं पैन है उसमें बना रही हूँ। गैस को फुल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दही और घी निकाल लिया है, घी है पिघला लिया है, दही निकाल लिया, स्वीट दही के साथ ही खाते हैं, हमारे ससुराल में सब दही के साथ खाते हैं और मायके में घी के साथ खाते थे, स्वीट दोनों के साथ खाते हैं। ये घी यहाँ पे भी निकाल के रख लिया है, घी से ही सेकूंगी मैं क्योंकि पूरन बिना घी से सिकी हुई अच्छी नहीं लगती।
ऑयल से भी सेक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घी से सेकेंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगी। मेरे और देव को चाहिए, दही भी चाहिए और घी भी चाहिए। मीठी मीठी पूरी, मीठी मीठी पूरन, हल्की सी खट्टी टाइप की दही की सदा, क्या मजा आता है। देख पीछे से उसको, वाह वाह। देखिए वापस से आपको एक बार और बता देती हूँ, बस ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। ये चार आपने सा फ्लावर बना लिया, फिर इसको ऐसे मिला लेना है फूल को, इसको ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए मोदक शेप देके काट दो, ऐसे फैला लेना है ऐसे। अब इसको बाद में करते हैं, ये एक तरफ से सिख चुकी है, इसे मैं पलटा देती हूँ। ये देखिए, अब घी लगा के इसे सेक लेना है। उधर से भी थोड़ी सी सिक जाए, उसके बाद मैं इसको टर्न करूंगी। इस तरफ भी घी लगा लेंगे। ये देख फूल रही है, ये पूरी फूल जाएगी। ये देखिए, कहते हैं कि जो खाने वाला होता है उस रोटी को बहुत ज्यादा भूखा होता है, तो अब स्वीटी को बहुत ज्यादा भूख लग गई होगी। वैसे भी इनको पूरन में बहुत ज्यादा भूख लगती है। आप लोग ये मत सोचिएगा ये जली हुई, स्वीटी को थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए उनके लिए मैं क्रिस्पी कर रही हूँ, है ना स्वीटी। हल्की सी क्रिस्पी होनी चाहिए, जब उसको तोड़ो ना जो आउटर लेयर है, तो पूरन देख के कौन भूखा नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से भी मैंने फुला लिया, प्रॉपर फूल गई है। अब इसे निकाल लेते हैं, ये डायरेक्ट प्लेट में ही जाएगी के लिए। ये लो स्वीटू, कयामत है, कयामत। कैसी बनी? कयामत, गजब। वैसे भी तेरे पूरन में कभी कमी नहीं रहती। लव यू। दही दूध तेरे घर से पूरन वैसे भी नहीं, मैंने नहीं खाया कभी। परफेक्ट पूरा है। इससे अच्छा पूरा नहीं हो सकता। कूल डाउन, गजब।